इसके साथ आ चुके हैं जी हम लोग, और जो इंफॉर्मेशन है वो एक बंदा यहाँ खड़ा, एक बंदा इधर खड़ा, ठीक है। जब एरिक नामी बाइक लिफ्टर से पूछा गया तो उसने चोरों का वही रिवायती तरीका अपनाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। क्या नाम है तेरा? एरिक। क्या करते हो? क्या सब है? काम हम करता हूँ छोटा मोटा। क्या करते हो? पेट्रोल पंप पे सर काम करता हूँ। पेट्रोल पंप पे काम करते जी। खड़ो। खड़ो, 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 खड़ो। बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल जो खड़ी है जी साहब, मोटरसाइकिल जो है जी, ये कहाँ से आई थी? ये साहब मेरी अपनी है। कागज कहाँ इसके? कागज गुम हो गए सर। अच्छा, कहाँ से लेके आए बाइक? ये साहब मैंने खरीदी थी। हाँ, तेरी फुटेज इसी कपड़ों में मेरे पास मौजूद है। जहाँ से तूने वो मोटरसाइकिल चुराई ना, इसी चड्डे में ये मौजूद है हमारे पास। साफ करो अपना मुंह, साफ करो। शाबाश, काम शुरू कर दिया। ये बंदा ये सीसीटीवी में था और पुलिस हाँ। काफी दिन से इस बंदे के पीछे लगी हुई थी। ये फुटेज इसकी देखो, ये देखें जी, ये इस फुटेज में कौन है? हाँ, ये कौन है? कौन है ये? ये आप है ना? जी सर, मैं हूँ। जब इसकी बाइक चेक की गई तो वो भी चोरी की थी, यानी एरिक नामी बाइक लिफ्टर की मिलने वाली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी। क्या कर रहे हो? ये वाली ये बाहर खड़ी, ये वाली मोटरसाइकिल जी सर, ये वही है। हां, तो अभी झूठ भी बोल रहा है सर। मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने बोला मेरे को आप पकड़ नहीं ले, इसलिए बचने के लिए झूठ बोल रहा हूं। जी नाज़रीन, अभी पुलिस के साथ निकल रहे हैं उस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे, और उस लड़के ने कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी जगह की जहाँ पर चोरी की बाइकें मौजूद हैं। अभी निकलेंगे और फिर आपको आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। सुनसान और टूटी फूटी सड़कों पर से हम गुजर कर उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पुलिस ने इनको फौरी तौर पर अपनी गिरफ्त पे लिया है। थाने आने के बाद इन मुलजिमान से SHO शारे नूरजहां गुलाम नबी आफरीदी ने तफ्तीश का आगाज किया। ये पहले तो एरिक बताओ, इसको कितनी बाइकें दी है? सबसे पहले फर्स्ट वाले को साहब, एक इसको दिए, ये चला रहा था नंबर बदली करके। इसको बाइक को, इसको मैंने कोई नहीं दी, इसके घर से बाइक चोरी का सामान बरामद हुआ। ये बाइक को भी एक दी है, इसको भी एक दी है, इनको भी एक दी है साहब। तो भाई से चोरी की बाइक? सर ये बोल रहा था मैंने कहीं अम्मी के पास जाना है गाँव। कितने हजार रुपए दिए थे इसने तुम्हें? तुमने इसको कितने? मैंने 3,000 रुपए दिए। 3,000 रुपए तुम्हें बाइक दे रहा है? बच्चे हो तो? मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, आके वापसी में आके ले लूंगा बाइक। अच्छा, 3,000 रुपए किस बात की खुशी की दे दी है? इसको पता था ना चोरी की बाइक है? नहीं सर, 3,000 में आजकल जैम्प नहीं मिलते तो बाइक कौन देगा? हाँ भाई, तुम? सर मैंने जरा नहीं ली इसे बाइक। नीली तूने अपनी चोरी की ली थी? नहीं सर, मेरे पास अपनी बाइक नहीं। इससे पूरी बाइक बरामद हो गई? आपने पूरी बाइक आपसे बरामद हो गई है जी? अच्छा, आपका क्या रोल है? आपके घर से पूरा गाड़ी का सामान, गाड़ी का सामान बरामद, ग्राउंड से सारा सामान निकल आया है जी? ठीक है, पूरी गाड़ी चेचिस के साथ मिली है जी सर? ठीक है, तूने उसका क्या करना था खोल के? सर मैंने कुछ नहीं करना था। कुछ नहीं करना था तो फिर चौक के लिए गाड़ियाँ खोल रहे हो? सेकंड थर्ड से पूछें, आपका क्या रोल है? सर मुझे इसने क्या सामान बेचा था, गाड़ी का खोल गए, बाइक नहीं खरीदी सर, चीजें इसी के पास था, तो वो सामान हुआ था सर? नो सर, इसी ने आपको दिया था सर। सामान का क्या किया? चोरी का सामान सर, सर इसने बोला ये क्या तुम बच्चे हो? मुझे नहीं नहीं, इससे पूछो सामान इसने अपनी गाड़ी में प्लान किया होगा? अपनी गाड़ी में जी जी, तो मैं पता था चोरी का सामान है। ये कौन सा ऑटो पार्ट का काम करता है? जी सर मैंने इसको 4,500 रुपए दिए थे सर। तो मैं चोरी का सामान खरीदा ना? यस सर। खरीदा सर, मुझे पता नहीं था इसने क्या चोरी का दे रहे। अच्छा, तो सर ये कौन है? ये मोटरसाइकिल ये क्या फिरता रहता? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ताबिश सर। तेरे को पता है नई मोटरसाइकिल कितनी की मिल रही है? सर एक नई नहीं थी सर, जो इसने का सामान। चलो पुरानी हो गई, फिर भी तो 30-35-40 हज़ार की तो होगी ना? ऐसा ही है ना, तो 3,000 में कौन सी 4,000 में बाइक मिलती है? चोरी की मिलेगी ना सर ये? अब ज्यादा होशियार नहीं बनो। सर इससे सामान लिया था, सामान लिया, बाइक पूरी ली है, सामान लिया 8,000 में, सामान लिया जी। बाइक खोलते कैसे? आती तो नहीं है साहब, वो फिर यार दोस्त लग के साथ खोल दी। यार दोस्त लग के खोल लेते हैं। वो सामान का क्या किया? अपनी बाइक में डाला जी सर। हैं जी, उसको जीरो मीटर किया? जीरो नहीं किया साहब, पुरानी थोड़ी है वो भी, दरमियानी बाइक थी जी।
अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ सर। आपने क्या किया? सामान लिया था सर। सामान लिया? पूरी बाइक ली सर? इसने सामान दिया था। सबको सामान दिया इसने, बाइक तो किसी को दी नहीं है ना, सारे बच्चे यहाँ पे अभी बोल रहे वो बोल रहे नहीं, वो तो जाहिर आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना। बाइक आपने पूरी पूरी बाइक किसको दी? साहब मैंने पूरी पूरी बाइक ला के खोल के ये दो बंदों को मैंने सामान दिया है, बाकी ये जो तीन भाई इनको मैंने बाइकें दी हैं। हाँ जो जी साहब इसने 4000 रुपीज़ में बाइक मिलती है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो तुम्हें पता है ना चोरी की बाइकें ला रहे हैं, तुम आगे अपना काम चला रहे हो। महाराज जी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अभी गैंग पकड़ा गया है, और अफरीदी भाई SHO साहब पे ऊपर सारी बात आ रही होती है कि जी इलाके से बाइकें चोरी हो रही हैं, और ये पूरा गैंग है जो किसी को ही पहचान ना पाए। तुम लोग रहते गाँव कौन से इलाके में रहते हो? सर भुट्टो कॉलोनी। भुट्टो कॉलोनी में सारे भाई रहते हो? ये भुट्टो कॉलोनी में से पूरा गैंग एक चल रहा था, और ये इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई आपके सामने हुई है। बाइकें भी बरामद हुई हैं, चेसेस भी बरामद हुए हैं। अभी तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा, अभी तो एक एक दो दो तीन तीन बाइकों की बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे जो है वो मज़ीद इंकशाफात होंगे, मज़ीद पता चलेगा कितने लोगों की बाइकें चोरी हुई, कितने लोगों ने खोली और बेच दी। ये एक पूरा गेम है, और ज़ाहिर अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन शारा नूर जहाँ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। CCTV की मदद से एक बंदा पकड़ा गया, और उसके बाद पूरा गैंग जो है वो SHO साहब की टीम ने पकड़ लिया। तमाम मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया।